कोरोना वायरस के चलते पूरे देश लॉकडाउन है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पै रहा है। उत्थे ही जम्मू कश्मीर के 60 लोग बरनाला च फसे हुए ने। बरनाला च एक कश्मीरी पिछले 30 सालों तो गर्म कपड़े वेचण दे लई पंजाब आ रहे हैं, इत्थे लॉकडाउन के कारण फसे हुए ने अते भुखे मर रहे हैं, पर प्रशासन वालों कोई मदद नहीं है। हमारे को तो पूरे 6 महीने हो गए जी यहाँ पे। हमने अब 22 मार्च या 25 मार्च को हमने घर जाना था जी, तो फिर उसके बाद हम ने सोचा जी कल जाएंगे परसों जी, जब तक लॉकडाउन जब तक हो गया जी। उसके बाद कोई हमारे कोई सहारा नहीं मिला जी, कोई बिल्कुल कोई बस नहीं, कोई वास्ता नहीं, हम तो बिल्कुल यहीं पर फंसे हुए जी। अब तो यहाँ पर बिल्कुल बैठे हैं जी घर में बेला, कोई काम नहीं, कोई वास्ता नहीं, अंदर बैठे जी बेला। यहाँ पर इसीलिए आए थे, हमारी रिक्वेस्ट है जी पंजाब गवर्नमेंट को भी, कश्मीर गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर हमारे को घर पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है जी। हम यहाँ पर शालों का काम करते जी, सर्दियों का काम, सर्दी में हम शालों का काम करते थे। यहाँ सर्दी आते हमारे को 30-35 साल हो गए जी इधर काम करते, मजदूरी का बहाना है जी, बस और क्या जी। यहाँ पर कम से कम 50-60 लोग है जी। जी नहीं नहीं नहीं, कोई सहायता नहीं पूछी बिल्कुल, ना किसी को हमने मांगा जी, ना किसी ने दिए। हमारे परिवार बहुत अच्छी तरह जी, शुक्र है जी मालक का, हमारा परिवार है जी, बच्चे है जी, बीबी है जी, बाकी सारे है जी परिवार बहुत अच्छी तरह जी। हाँ कश्मीर में ही सारे, कश्मीर में कहाँ से? कुलगाम से जी, कुलगाम से, नागाम हमारा गाँव है जी। सभी लोग वहाँ अलग अलग जगह से? हाँ हाँ सारे लोग अलग अलग जगह से, कोई नागाम का, कोई कुलगाम का जी, कोई कुपवारा का जी। कश्मीर दे पुलिस जवान मंजूर अहमद ने इस बारे गल करदे होया दस्या। यहाँ पे हम यहाँ पे रह रहे हैं तो एटलीस्ट से जो हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं 60 के करीब हैं, और यहाँ मेरे अंकल काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ आया था। वैसे मैं जे एंड के पुलिस से हूँ, कोई ट्रीटमेंट था मेरा, 45 मंथ्स बैक मेरी ब्लास्ट इंजरी हुई थी, तो गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी अपॉइंटमेंट था 18 तारीख से, होके वहाँ से यहाँ मैं पहुँच गया बरनाला। 21 तारीख को यहाँ से निकलना था हमें, 21 तारीख से ट्रांसपोर्ट न होने के कारण, न मिलने के कारण हम यहीं पर रह गए। और 144 जो यहाँ पे लॉकडाउन भी था, 144 भी लगा था पंजाब में, तो इसकी वजह से मैं इन चीज़ों को मद्दनज़र रह के, क्योंकि जानने के बावजूद मैंने किसी को नहीं जाने दिया। मैंने बोला नहीं, इस चीज़ को एहतराम करके 14th जो अप्रैल आ रहा है, इसको लॉकडाउन शायद खुल जाएगा, उसके बाद हम रवाना हो जाएंगे। तो हमारा माह रमज़ान भी आने वाला था, तो हमने बोला चलो मतलब 14 को हम निकल जाएंगे यहाँ से। 14 के कारण आप बढ़ा दिया 3 मई तक, तो 20 को बोला था फॉर्मली हम खोल देंगे, कोई एक उधर इधर जो बाहर के होंगे वो चल पड़ेंगे, 20 को भी नहीं खुल पाया, तो इसके कारण हम यहाँ पर ठप हैं। 34 दिन से हमारी दर हम बरहमजन की है, किसी के पास जितने भी जो कि पैसे कमाए थे इन्होंने यहाँ से मजदूरी करके, तो इनके पास ख़त्म हो गए हैं। बाकी तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई सी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोई कुछ नहीं, जहाँ पर बाहर नहीं निकलने की वो भी इजाज़त नहीं मिली। उत्थे ही बरनाला दे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आदेश दे अनुसार ये वापस भेजे जाएंगे। हाँ जी, वो मैंने कल आके मिले थे, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी देती है कि उन्होंने वापस कश्मीर जाना है। उन्होंने जो एप्लीकेशन है असी सरकार को भेज दी है, तो ये सिर्फ बरनाले विच ही नहीं है, कई जिलों में पंजाब विच बैठे हैं। सो जो भी सरकार इन्हों का फैसला करेगी उस वो असी लागू कर देंगे, तो इस तो बाद हाले साढ़े जिले वालों असी कोई हाले कार्रवाई नहीं कर रहे। उस संबंधी उन्होंने मैंने कोई दसा नहीं कि जी उधर कोई पुलिस का भी मुलाजम इतने है, जो होया तो कोई स्पेशल देख लेंगे कि वह बन गया, पर मैनू जो मैं मिलना है उन्होंने मैंने इस बारे कोई जिक्र नहीं किया। इस बारे मैं कुछ कह नहीं सकता जी, ये तो सरकार नहीं देखना है, जिमें भी फैसला होगा असं वो लागू कर सकते हैं।